नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। एंटीलिया केस में एनआईए ने अब एक बड़ा दावा किया है। दरअसल एंटीलिया केस के आरोपी सचिन वाजे की सहयोगी मिस्ट्री गर्ल की पहचान जाहिर होने के साथ ही अब वाजे से जुड़े कई राज खुलने लगे हैं। एंटीलिया केस की मिस्ट्री गर्ल मीना जॉर्ज से एनआईए पिछले 3 दिन से पूछताछ कर रही है। मीना जॉर्ज वही महिला है जो मुंबई के ट्राइडेंट होटल में दिखी थी। पूछताछ में पता चला है कि सचिन वाजे और मीना जॉर्ज का एक ज्वाइंट अकाउंट और लॉकर है। मुंबई के डीसीबी बैंक के अंधेरी वर्सोवा ब्रांच में दोनों का ज्वाइंट अकाउंट और लॉकर का पता चला है। सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद अकाउंट से लगभग 26 लाख रुपए निकाले गए हैं। अब सिर्फ अकाउंट में 5,000 रुपए ही बचे हैं। वाजे की गिरफ्तारी के बाद लॉकर भी खोले गए थे जिसमें सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स बचे हैं। एनआईए अब इस बात की तह तक पहुंचना चाहती है कि वाजे और मीना के ज्वाइंट अकाउंट से पैसे किसने और क्यों निकाले हैं। वहीं एनआईए के सूत्रों से जानकारी मिली है कि मीना पैसे गिनने की मशीन साथ लेकर घूमती थी और वो ट्राइडेंट होटल में वाजे से मिलने जाती थी। एनआईए ने बताया कि मीना सचिन वाजे के पैसे संभालने का काम करती थी। एनआईए की माने तो सचिन वाजे और मीना जॉर्ज के बेहद ही करीबी संबंध है। मीना सचिन वाजे के पैसे संभालने का काम करती थी। एनआईए को शक है कि मुंबई के बार, पब, रेस्टोरेंट से वसूले गए पैसे को ठिकाने लगाने का काम मीना जॉर्ज ही करती थी। मीना से पूछताछ में वाजे के और राज बाहर आ सकती हैं। फिलहाल सचिन वाजे को 7 अप्रैल तक एनआईए के रिमांड में भेज दिया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।